गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बढ़िया होंगे। और तो पहले चेक के होंगे तो ना अचानक से बहुत ज़्यादा तूफान आने लग गया। आजकल ना इधर बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह आ रहा है, तो बड़ा ही मस्त मौसम हो रखा है। देखो हवा, वाह, तो आपको लग रहा होगा ना कितनी अच्छी हवा आ रही है। सो, आज मेरा वीडियो बनाने का कोई ऐसा मूड नहीं है, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मेरे पतिदेव और मेरी बेटी ने मुझे एक मदर्स डे का सरप्राइज़ दिया। सो मुझे बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मेरा मतलब अच्छा फील होता है ना एक। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को मैं आगे नहीं बढ़ाने वाली हूँ, बस मैं आपको बताना चाह रही थी। तो चलिए करते हैं, कल का वीडियो देख लीजिए आप लोग पहले। अच्छा, सॉरी। कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू। राजा, तूने भी दिया पापा का साथ। सो गाइस, एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इतना डेकोरेशन होने वाला है। हाँ, मुझे ये पता था कि हम लोग डिनर बाहर से लेके आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि बाबू ने कहा था हम क्या खाएंगे, तो हम लोगों ने डिनर साथ में ऑर्डर किया था। देन मैं बगल वाली भाभी के साथ ना फिर उनके बच्चों के बाल कटवाने के लिए चली गई थी नाई के पास। बट जब मैं घर आई ना, मेरे को ये नहीं पता था कि क्यों पूछ रहे थे। मुझे पूछ रहे थे कि तेरे को ड्रेस तेरे पास येलो है, पर्पल है, तो मैंने बोला हाँ मेरे पास पर्पल ड्रेस है। तो ये नहीं पता था कि केक मंगाने वाले हैं, तो इतना मुझे नहीं पता था केक मंगाने वाले हैं। ये पता था कि हाँ या तो बाहर से कुछ आ रहा है खाने के लिए या फिर मतलब KFC वगैरह का। बट मुझे इतना अच्छा लगा ना, रियली हर माँ को बहुत अच्छा लगा होगा। और सभी को ना बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे। वैसे एक बात बताऊँ तो हर डे मदर डे ही होता है, क्योंकि एक माँ जो होती है ना वो कभी नहीं थकती है अपने बच्चों के लिए। मतलब को एक बिना सैलरी के जॉब कह सकते हैं जिसको आप, 24 आवर लगी रहती है अपने बच्चे के पीछे। और मेरी डी को ना यहाँ पे केक काटना है जल्दी, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि रुक जा, मेरा बर्थडे है। नहीं, उसको बहुत पसंद है केक कटिंग करना और केक खाना। और देखो कितना अच्छा डेकोरेशन किया है मेरे हस्बैंड ने, बहुत कम टाइम में किया, लेकिन आधे घंटे में समथिंग यहाँ पे रखा है केक, मोजीतो, और ये जो है ना मोजीतो है, और ये लाइट्स लगा रखी है, लड़ी लगा रखी है, और काफ़ी अच्छे से टेबल, मतलब जो छोटे टेबल होते हैं हमारे पास स्टूल, उनमें बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा है। और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी रोज़ेस लगा रखे हैं। मेरे को ना इतना अच्छा लगा, ये रिकॉर्डिंग था ना तो मेरे को भी याद आया कि क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। अच्छा बताइए, किस किस ने मदर डे सेलिब्रेट किया? और तो मेरे लिए ना एक बहुत ही बड़ा, क्या बोलूँ, मतलब फील जो है ना वो मैं अभी ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे पे पर्पल साड़ी थी, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, मेरे पास टाइम इतना नहीं था, तो मैंने फिर साड़ी वेयर नहीं की, तो मैंने यहाँ पे कुर्ता डाल लिया था। और मेरी बेटी देखो केक खाने में बिज़ी हो चुकी है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है केक। और ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था यार, मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा। और देखो फ़ोटोज़ लगाई हैं और इतना अच्छा डेकोरेशन किया है, मतलब वैसे तो ये थोड़ा सा भी वो करते ना मेरे लिए वही काफ़ी था, क्योंकि एक अब जैसे लास्ट ईयर था डी छोटी थी, तो तब तो हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया था। मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम मदर डे सेलिब्रेटिंग है, जो बहुत अच्छा लगा। वैसे हम लोग अपनी मम्मी लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, और मैं सच बताऊँ तो आज तक किया भी नहीं है, बट हमें करना चाहिए ना। और आज मुझे ना बहुत फील भी हो रहा था कि हम लोग क्यों नहीं करते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग केक ला के ही अपने मदर्स डे फादर्स डे सेलिब्रेट करें, दोस्त सब प्यार से बोल दें और कुछ स्पेशल फील करा दें ना उनको, वो भी हमारे लिए मतलब केक कटिंग से कम नहीं होता। ये देखो केक चटोरी मेरी, इसको केक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और खूब सारा खा के डिनर पे भी हमारा आज बाहर से आया था। और मेरी लाडो केक के लिए काफ़ी, उसका ना जो नाइफ है उसमें गिर गया था। और ये देखो यहाँ पे मैंने डाल रखा है कुर्ता एंड लेगिंग, और थोड़ा सा रेडी हुई मैं लिपस्टिक और आईलाइनर लगा के, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। मैं ऑलरेडी 9:45 बजे ऊपर आई थी, मैं नीचे थी, और मुझे पहले पता होता कि मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, तो मैं अच्छे से रेडी वेडी होती। तो मेरे पतिदेव बोलते हैं हाँ तेरे को रेडी होने का टाइम ज़्यादा नहीं मिला है ना इसीलिए। और बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच बाबू। मतलब वैसे एक बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड ना मुझे मेरे लिए स्पेशल फील कराने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं, और यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं बच्चे होने के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ को इन्जॉय करना चाहिए, भले वो कैसे भी हो। जरूरी है कि तुम रोज़ पार्टी करो, ये करो, वो करो, आप कैसे भी कर सकते हैं।
तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है एक, और ये डेकोरेशन कैसी लगी है बताना। जब से बाहर भी मैट लगा रहा था थोड़ा बहुत ही अच्छा फील होता है मुझे। तो मिलूंगी अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।